आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 बीसीए कॉलेजेस इन उत्तराखंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 12th का रिजल्ट निकल चुका है और भी कुछ बोर्ड्स के ऐसे रिजल्ट्स हैं जो निकलने वाले हैं, तो उसके बाद बच्चे एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि अगर वो आगे यूजी कोर्स करना चाहते हैं तो अभी जो सबसे अच्छा कोर्स है वो बीसीए है। ओके, तो बीसीए करने के लिए कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, तो आज हम एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप बीसीए करना चाहते हैं उत्तराखंड से तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बीसीए कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने टॉप 5 ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया है, तो चलिए हम बात करते हैं टॉप 5 बीसीए कॉलेजेस इन उत्तराखंड के बारे में। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलेज के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला कॉलेज है वो है यूपीएस देहरादून। अगर मैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो अगर इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट है 2003 और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इस कॉलेज का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यूपीएस देहरादून। ये देहरादून में लोकेटेड है, ये अप्रूव्ड है बाय यूजीसी और इसको नैक एग्रीडेशन मिला है बी ग्रेड। और इसकी अगर मैं एग्रीडेशन की बात करूं तो ये आईसीबीई DSIR, DNV और AIU एग्रीडेशन है। अगर मैं इसकी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात करूं तो Oracle है, IBM है, Infosys है, GitHub है और Microsoft है। अगर मैं इसके कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं तो यहां पर UG कोर्स, PG कोर्स और PhD कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करूं तो यहां पर 20 कोर्सेज हैं। अगर मैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पे मेरिट बेस्ड भी होता है और एंट्रेंस बेस्ड भी होता है। ओके, अगर मैं पॉपुलर कोर्सेज की बात करूं तो यहां पर है बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए। अगर मैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिलता है और यहां पर साथ ही साथ आपको 10 तरीके के और स्कॉलरशिप मिलते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं 2020 की तो 94% का यहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज रह चुका है। अगर मैं इसका हाईएस्ट सीपीसी की बात करूं तो यहां पर 45 एलपीए का इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अब हम बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर बीसीए का जो फीस है वो 8.41 लाख से 10.4 लाख तक का आपका टोटल फीस होता है। इसका एलिजिबिलिटी जो है वो 10th प्लस टू विद मिनिमम 50% मार्क्स है। तो जैसे मैंने अभी आपको बीसीए का फीस बताया 8.4 टू 10.4 लाख का, तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है आपके बीसीए के स्पेशलाइजेशन के ऊपर कि अगर आप बीसीए में कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं तो। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका फीस है वो 1.6 लाख पर ईयर का है, तो आपका ये अप्रोक्स 5 टू 6 लाख में आपका यहाँ पे बीसीए कम्प्लीट हो जाता है। और अगर आप यूपीएस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीएस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉलेज के बारे में। तो जो हमारा दूसरा कॉलेज है वो है डीबीएस, दून बिजनेस स्कूल, ये भी देहरादून में है। अगर मैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है 2007, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। ये अप्रूव्ड है बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूं तो ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से एफिलिएटेड है। अगर ये कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन एक्सेप्ट करता है तो कैट, जेट, मैट, सीमेट, जीमेट और नीट के एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। पॉपुलर कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पर PGDM, MBA होता है। अगर मैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड प्लस एंट्रेंस टेस्ट है। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज की बात करूँ यहाँ पे तो जॉनसन एंड जॉनसन है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, GTM है और जेनपैक है। अगर मैं सीट इंटेक की बात करूं तो यहाँ पर 1380 स्टूडेंट्स का सीट इंटेक होता है। अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं यहाँ पर तो आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, स्पोर्ट्स मिल जाता है। और मैं अगर इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे DBS ऑल्सो नोन एज DBS देहरादून, देहरादून बिजनेस स्कूल। अगर मैं इसकी इंस्टीट्यूशन लोकेशन की बात करूं तो यह देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसकी कैंपस साइज है 72 एकर का और इसका मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम है। अगर मैं नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं तो यहाँ पे 12 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं 5 स्ट्रीम्स में। अगर मैं प्लेसमेंट स्टेटस की बात करूं तो इसका जो हाईएस्ट सैलरी गया है वो 23.5 एलपीए का गया है और एवरेज सैलरी जो है वो 7.4 एलपीए का हो जाता है। अगर मैं बीसीए कोर्स फीस की बात करूं तो बीसीए का जो कोर्स का फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाइज है, आपको पर सेमेस्टर 70,250 रुपीज लगते हैं। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 10th प्लस टू विद मिनिमम 50% मार्क्स है।
तो अब तक हम लोगों ने टॉप टू यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि है UPS एंड DPS। ओके, और अगर आप इन दोनों कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैंने कॉलेज को विजिट किया है और इस वहां का फुल रिव्यू वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कॉलेज के बारे में। तो जो तीसरा कॉलेज है वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून। अगर मैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 2017 का है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका कैंपस जो है वो रुड़की में है। अगर मैं इसके रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं तो ये AICTE और UGC से रिकॉग्नाइज है। अगर मैं इसका कैंपस साइज का बात करूं तो 30 एकड़ का इसका कैंपस साइज है और ये रिकॉग्नाइज है बाय UGC। अगर मैं कॉलेज के रैंकिंग की बात करूं तो इट्स रैंक 64 MBA बाय टाइम्स 2020। अगर मैं मोड ऑफ एजुकेशन का बात करूं तो ये ऑनलाइन फुल टाइम और प्लस डिस्टेंस लर्निंग भी देता है। अगर मैं नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं तो यहां पर 113 कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं विद 14 स्ट्रीम्स। अगर मैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और इसका जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर किया गया है वो 18 LPA का है। अगर मैं फीस और एलिजिबिलिटी की बात करूं तो BCA का फीस 60,000 पर ईयर का है और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th प्लस 2 विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस JEE मेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा फोर्थ कॉलेज का, जो कि है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून। तो अगर मैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट 2005 का है। ये प्राइवेट कॉलेज है। ये अप्रूव्ड है बाय AICTE, PCI, COA, CCIM, मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूं तो ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी UTU से एफिलिएटेड है, SUB से एफिलिएटेड है, UBTER से एफिलिएटेड है, UAU से एफिलिएटेड है एंड UNC से एफिलिएटेड है। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो यहां पर CAT, MAT, JEE Main पेपर का आपका यहां पे एंट्रेंस एग्जाम ये होता है। और साथ ही साथ अगर मैं कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं तो यहां पे UG, PG प्लस डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर मैं सीट अवेलेबल की बात करूं तो यहां पे 2160 सीट्स अवेलेबल है। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो यहां पे कैपजिमिनी, SCL, अपोलो फार्मेसी, L&T, इन्फोटेक, एसेंशियल, जीमनी सॉल्यूशन, जस्ट डाइट, ओयो, पेटीएम, जेनपेक और एनपीटेल यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं। अगर मैं इसकी कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसके 6 स्कूल्स हैं, 15 इयर्स ऑफ एक्सेलेंस है, 10,000 प्लस एलुमिनाई है, 150 प्लस प्राइम रिक्रूटर्स हैं, 50 प्लस रिसर्च पेपर्स हैं यहाँ। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो 42 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। अगर मैं इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करूँ तो ये नवागांव, मंडवाला, चक्राता रोड, देहरादून लोकेटेड है। अगर मैं इसके कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूँ तो 68 कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं विद 14 स्ट्रीम्स। अगर मैं इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है, साथ ही साथ मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड किए जाते हैं। स्कॉलरशिप टाइप होता है आपका मेरिट बेस और मेन बेस। साथ ही साथ आपका जो हाईएस्ट CTC है गया है 2020 का, वो 40 LPA का गया है और एवरेज CTC जो जाता है 2020 का वो गया था 5.7 LPA का। अब हम बात कर लेते हैं फीस और एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर BCA का जो फीस है वो है 47,250 फॉर द फर्स्ट ईयर और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th प्लस 2 विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी कॉलेज के बारे में, जो कि है ग्राफिक एरा, जो कि देहरादून में है। अगर मैं इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करूं तो ये 1993 का कॉलेज है एंड इट्स डीम्ड टू बी द यूनिवर्सिटी और ये प्राइवेट कॉलेज है और साथ ही साथ ये गवर्न किया जाता है बाई ग्राफिक एरा एजुकेशनल सोसाइटी और ये रिकॉग्नाइज है बाई UGC, AICTE और AIU। अगर मैं इसकी एक्रेडिटेशन की बात करूं तो ये NAC में A ग्रेड है प्लस MBA इन न्यू दिल्ली। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलुमिनाई की बात करूं तो यहाँ पे 17,849 एलुमिनाई है। अगर मैं कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूं तो यहाँ पे BBA, BSc, MSc, MBA, BTech, MTech, PhD और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं रिलेटेड टू UG, PG एंड डॉक्टर कोर्सेज। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड होता है। अगर मैं एक्सेप्टेड एग्जाम्स की बात करूं तो JEE है, GATE है, MAT है, CAT है, ZET है, NET है। अगर मैं यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो यहाँ पे एसेंशियल है, विप्रो है, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज है, सैमसंग सॉफ्टवेयर लैब है और साथ ही साथ और बहुत सारे रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूं तो 25 एकड़ का कैंपस एरिया है। अगर मैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट्स हैं। हॉस्टल कैपेसिटी की बात करूं तो 2,500 बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल कैपेसिटी आपको मिल जाता है। अगर मैं इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करूं तो UALR USA के थ्रू ये कोलैब किया है, टेलर्स यूनिवर्सिटीज के साथ मलेशिया उसके साथ भी कोलैब किया है इसने और साथ ही साथ यहाँ पे चैथम यूनिवर्सिटी USA के साथ इसका कोलैबोरेशन है।
अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो यहाँ पे इंडियन हिमालयन रीजन 25% का आपको यहाँ पे एक स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पे बीसीए कोर्स का फीस की बात करूं, 1.22 लाख का आपका फीस है फर्स्ट ईयर का, और इसकी एलिजिबिलिटी है 10th and +2 विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो ये था टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आप बीसीए कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस है उत्तराखंड में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका यूपीएस है, डीबीएस है, आपका क्वांटम यूनिवर्सिटी है, देवभूमि है, और साथ ही साथ ग्राफिक एरा है। ये 5 कॉलेजेस है जो कि बेस्ट है आपके बीसीए कोर्स के लिए। और अगर आप इन सारे कॉलेज में से किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप चैनल पे जाइए तो आपको वहाँ पे वीडियोज मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं और भी कुछ अगर स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आपको जानना है तो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे आपको हर एक कॉलेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए, डिस्कस करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।